students, welcome to all of you in your maths class. Today we continue our same chapter, chapter number 14, and the name of our chapter is time. This is our pen paper chapter. In our previous session we have started this chapter. What is time? Hum time ko kaise dekhte hain ya likhte hain? With the help of clock ya watch. Look at this clock, there are 12 numbers. Is clock mein humne two hands ke bare mein padha tha. जो हैंड शॉर्ट होती है उसे हम आर हैंड कहते हैं, घंटे की सुई, और जो हैंड लॉन्ग होती है वो मिनट हैंड होती है, मिनट की सुई. ओके, और कितने राउंड कंप्लीट करती है आर हैंड? आर हैंड जब वन राउंड कंप्लीट करती है तो वो 12 आवर्स कंप्लीट करती है, और जब वो टू राउंड कंप्लीट करती है देन अगेन वो 12 आवर्स कंप्लीट करती है. वन डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स. एक दिन में आर हैंड टू फुल राउंड कंप्लीट करती है. ओके, एंड वन मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, एंड वन आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट. ये सारी बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी. और इन आवर प्रीवियस सेशन हमने क्या पढ़ा था? हम टाइम को कैसे पढ़ते लिखते हैं? व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12, जब मिनट हैंड 12 पे फिक्स हो और आर हैंड मूव करे किसी भी नंबर पे. किसी भी नंबर पे जब आर हैंड रहे और मिनट हैंड 12 पे रहे तो क्लॉक में क्या टाइम होता है, हमने क्या पढ़ा था? तब लुक एट दिस क्लॉक, द आवर हैंड इज एट 4 एंड द मिनट हैंड इज एट 12, द टाइम इज 4 o'clock. हम इसे कैसे लिखेंगे? 4 o'clock, स्मॉल सी, 4 o'clock. ओके, या तो आप इसे ऐसे लिखिए, या इसका सेकेंड फॉर्म क्या है, 4:00, 4 o'clock. ओके, so today we continue our same chapter. Open a maths book and let's get started. So students, our today's topic is when the minute hand is at any number. जब minute hand 12 पे ना होके किसी भी number पर होता है तो हम कैसे time को देखते हैं और लिखते हैं? हम time को तब कैसे read करते हैं? Okay, now look at this clock. The minute hand is at 2. मिनट हैंड 12 से जब 1 पे आता है तो वो कितने स्मॉल डिविजन कवर करता है? लुक एट द क्लॉक वेरी केयरफुली, 12 और 1 के बीच में 5 स्मॉल डिविजन्स हैं. ओके, तो जब भी मिनट हैंड 12 से 1 पे आया इट मींस उसने 5 स्मॉल डिविजन कवर कर लिए, 5 मिनट कंप्लीट कर लिया. ओके, जब भी मिनट हैंड 1 पे होता है इट मींस उसने कितना टाइम कंप्लीट कर लिया? 5 मिनट्स. 1 में आप 5 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 1 5 5, 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं. क्लियर ना? अब देखिए, और जैसे मिनट हैंड 1 से 2 पे आया अगेन 5 मिनट कंप्लीट हो गए, 5 स्मॉल डिविजन्स उसने कवर किए, इट मींस 12 से हम काउंट करते हैं. ओके, अब 2 पे है मिनट हैंड, उसने 10 स्मॉल डिविजन्स कवर कर लिए, इट मींस 10 मिनट्स कवर कर लिए उसने. अब 2 पे जब होता है तब हम कैसे टाइम को लिखते हैं? जब 2 पे होता है मिनट हैंड तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, आपको क्या मिलेगा? 2 5 10, इट मींस 10 मिनट्स, 10 मिनट्स हो रहे हैं. सेम इसी सीक्वेंस में हम अरेंज कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं. जब मिनट हैंड 3 पे होता है तब क्या टाइम होता है? 3 5 0, क्या मिलेगा हमें? 15 मिनट्स, तब 15 मिनट्स कवर होते हैं. ओके, मिनट्स, MINUTES, मिनट्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ. ओके, मिनट्स, जब मिनट हैंड 4 पे होता है तब क्या टाइम होता है? 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, आपको ये लर्न रखना है, जब भी मिनट हैंड किसी भी नंबर पे हो आप उसमें 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या टाइम हो रहा है. मिनट हैंड को आप वैसे ही अरे लिखोगे, 4 5 0, इट मींस 20 मिनट्स. आर हैंड जिस पे भी है हम इस क्लॉक के टाइम को क्या रीड करेंगे? 4:10. ओके, 4:10 क्लॉक में हो रहे हैं. अगर 5 पे होगा सेम इसी सीक्वेंस में, 5 5 25 25 मिनट्स. एंड सेम अब जब मिनट हैंड 6 पे आ जाएगा तब हम क्या करेंगे? 6 5 0, क्या होता है 6 5 0? 30 मिनट्स, 30 मिनट्स कवर कर लिए. ओके, इसी तरीके से आप इसे कंटिन्यू करते जाओगे और फाइंड आउट कर लोगे 5 से मल्टीप्लीकेशन कर. द आवर हैंड इज बिटवीन 1 एंड 2, आर हैंड 1 और 2 के बीच में है, एंड द मिनट हैंड इज एट 7.
आपको पता है जैसे जैसे मिनट हैंड 12 से मूव करता जाता है वैसे ही आर हैंड भी मूव करता है, तभी टाइम चेंज होता है। क्लियर? तो अब आर हैंड 1 से मूव करके 1 और 2 के बीच में आ गई है एंड द मिनट हैंड इज एट 7। जब भी आर हैंड 2 नंबर्स के बीच में होती है तो हम उसे हमेशा प्रीवियस नंबर मतलब जो नंबर पहले रहता है उसके साथ लेते हैं। इट मींस क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है 1:35, 7 पे है मिनट हैंड। आप मिनट को कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने बताया है 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, 7 5 सा 35, इट मींस 35 मिनट्स हो रहे। ओके, और आर है ना 1 और 2 के सेंटर में है आर हैंड, तो हम हमेशा 1 के साथ लेंगे, हम 2 के साथ नहीं लेंगे, अभी वो 2 पे आई नहीं है, वो 1 से मूव करी है। ओके, तो 1:35 टाइम हो रहा है क्लॉक में, हम इसे लिखेंगे 1:35। और हम इसे नेक्स्ट वे में कैसे लिख सकते हैं, 35 मिनट्स, मिनट्स ओके नॉट मिनट, मिनट्स पास्ट 1। इसका मतलब क्या है, 35 मिनट्स पास्ट 1 मींस 1:35 क्लॉक में हो रहे हैं। जो भी मिनट होगा आप उसे पहले लिखोगे, फिर मिनट्स पास्ट जो आर का नंबर रहेगा 1 जिस पे भी आर हैंड रहे। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट दिस क्लॉक, द आर हैंड इज एट 6 एंड द मिनट हैंड इज एट 3। व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या हो रहा है क्लॉक में, हम क्या उसे पढ़ेंगे, मिनट हैंड 3 पे है, मैंने आपको बताया जब भी मिनट हैंड किसी नंबर पे होगा आप उसे 5 से मल्टीप्लीकेशन करोगे, 3 5 सा 15, इट मींस मिनट्स 15 एंड आर हैंड किस पे है 6 पे, तो क्या टाइम हो रहा है क्लॉक में 6:15, 6:15। आप इसे कैसे लिखोगे, 15 मिनट्स स्मॉल m, ओके नॉट कैपिटल m, स्मॉल m, 15 मिनट्स पास्ट 6, बिकॉज 15 मिनट हो चुके हैं 6:15 हो रहे हैं, तो आप लिखोगे 15 मिनट्स पास्ट 6। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी पे बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज नंबर 57 के क्वेश्चंस अपने मैथ्स बुक में बहुत ही प्रॉपरली नीट एंड क्लीन केयरफुली सॉल्व करोगे इन योर क्लास वर्क, डेट एंड क्लास वर्क मेंशन करने के बाद। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, डू द एक्सरसाइज नंबर 57 इन योर क्लास वर्क एंड डू द गिवन सम्स ऑफ होमवर्क इन योर होमवर्क कॉपी। थैंक यू।